देहरादून में देर रात हो रहे हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस के साथ परिवहन विभाग भी अपनी चेकिंग टीमें उतारेगा। आपको बता दें कि रात 9 बजे से रात 1 बजे के बीच युवाओं पर परिवहन विभाग की नकेल रहेगी। RTO सुधांशु गर्ग ने बताया कि नशेड़ियों व बेकाबू गति से वाहन चलाने वाले युवाओं के अभिभावकों को भी मौके पर बुलाया जाएगा। साथ ही बताया कि ज़्यादातर हादसे रात 10 बजे से रात 1 बजे के बीच हो रहे हैं। इनमें युवाओं के शिकार होने का आंकड़ा सर्वाधिक है। इन पर लगाम लगाने के लिए विभाग चेकिंग अभियान में पुलिस के साथ संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। देखिए, तो जब काम शुरू करेंगे तो कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो उसका अंदाज नहीं होता इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जो हम एक चेकिंग अभियान चलाएंगे वो एक बिल्कुल होमवर्क करते हुए एक प्लान वे में कि हमें किन किन की विरुद्ध कार्रवाई करनी है, और मेन फोकस रहेगा रैश ड्राइविंग पर और जो टंडर ड्राइविंग पर।